नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए जल्द से एक नजर आते हैं आज की देश विदेश की सुर्खियों पर। अमेरिका में हुई दिल दहला देने वाली कार दुर्घटना, भारतीय मूल के 3 पारिवारिक सदस्यों की मौत। गाजा पर फिर इसराइल ने कर दिया बड़ा हमला, 19 लोगों की मौत के बाद संघर्ष विराम की ओर दौड़ा अमेरिका। जियांगसु प्रांत में यांगत्से नदी के निकट धू धू कर जला चीन का विमान वाहक पोत, 19 साल पहले हुआ था सेवा मुक्त। नेपाल के पीएम केपी ओली का कौन सा संदेश लेकर भारत आ रही है आरजू देवा राणा। कुवैत के क्राउन प्रिंस से मिले डॉक्टर एस जयशंकर, एक्सप्रेस शेयर की तस्वीरें और लिखी एक खास बात। सूडान में अर्धसैनिक समूह के लड़ाकों ने ग्रामीणों पर बरपाया कहर, कम से कम 85 लोगों को उतरा मौत के घाट। कोलकाता रेप मर्डर केस का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, 20 अगस्त को होगी सुनवाई। दिल्ली एम्स के एक डॉक्टर ने की सुसाइड, ली ड्रग की ओवरडोज, नोट में लिखा मेरी इच्छा का सम्मान करें। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, तेज रफ्तार ट्रक खिलौने की तरह पलटी, वीडियो हुआ रिकॉर्ड। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए माताओं और बुजुर्गों को मिलेगी ये बड़ी सुविधा, ट्रस्ट ने किया ऐलान। राजस्थान के कई अस्पतालों को बम से उड़ाने की मिली धमकी, पुलिस ने की जांच तो ये बात आई सामने। मध्य प्रदेश, रोका तो खत्म कर लूंगा, रेत माफियाओं ने किया नायाब, तहसीलदार को ट्रक से कुचलने की कोशिश। पुलिस अधीक्षक ने एक साथ 75 अधिकारियों की सैलरियों की चेतावनी के बाद भी नहीं सुधर रहे थे। पति से लड़ाई के बाद हैवान बनी मां, पहले दोनों बच्चों को मारा फिर खुद फांसी पर लटक। सिद्धरामैया को सीएम बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, भाजपा के राज्य सचिव ब्रजेश चौधरी। अगले 6 महीनों में कर्नाटक में आधे भाजपा नेता जेल में होंगे या जमानत के लिए भटकेंगे, प्रियांक खरे। लेखक, कार्यकर्ता और पूर्व पत्रकारिता प्रोफेसर बीपी महेश चंद्रगुरु का निधन। दक्षिण कन्नड़ प्रशासन ने 6 ट्रैकिंग पर प्रतिबंध लगाए। बेंगलुरु में जीका वायरस के 5 मामले आए सामने। श्रद्धा और राजकुमार की स्त्री चू से फिर जागा डर, पैसा वसूल है हॉरर कॉमेडी। साउथ सुपरस्टार मोहनलाल अस्पताल में भर्ती, शूटिंग के बाद इस वजह से बिगड़ी तबीयत। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे किए 16 साल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच का वेन्यू बदला, खिलाड़ियों की सुरक्षा के कारण लिया फैसला। आईफोन बनाने वाली फॉक्सकॉन का भारत में कारोबार $10 अरब के पार। FMCG सेक्टर के लिए गुड न्यूज, अच्छी सेल्स ग्रोथ के मिल रहे हैं संकेत, निवेशकों के लिए बन सकता है। केपी एक्सप्रेस में इस वक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।